क्रिकेट की सबसे अच्छी चीज क्या है कि कुछ भी सर्टन नहीं है, और इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी चीज यही दिखी है कि चाहे 200 रन हो वो भी चेज हो जाते हैं, 150 हो वो भी चेज नहीं होते, और एक अच्छा खासा मैच वो भी वन साइडेड हो जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ जब वीकेंड समाप्त हुआ, वो दोनों मैच सच बताइएगा कौन सी टीम को बैक कर रहे थे और कौन सी टीम जीती, लेकिन आने वाला जो मुकाबला है ना वो भी पहली बार दोनों टीमें आमने सामने रहेंगी। तीनों चीजें, तीनों मैच, कौन से दो मैच है संडे और मैच जो आने वाला है आज मंडे को, इनके बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और जो संडे को मैच चले गया वो दो मुकाबले थे, पहला था राजस्थान वर्सेस बैंगलोर। जी हाँ, राजस्थान और बैंगलोर के बीच में सिंपल ये था कि आपको मैच जीतना है, रॉयल्स अगर जीतता तो वो कंसोलिडेट करता टॉप हाफ ऑफ द पॉइंट्स टेबल पर अपनी सिचुएशन या अपनी पोजीशन, लेकिन बैंगलोर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था मैच जीतना, और ये उनको भी पता था। जब मैच शुरू हुआ तो ये जरूर था कि चलिए पिच में मुश्किल है रन्स बनाना, एक 200 रनों का स्कोर खड़ा करना इज नॉट गोना बी दैट इजी, क्योंकि जयपुर की पिच हम हमेशा देखते आए हैं, इनफैक्ट पहले भी पिछले एपिसोड में भी हमने बात करी थी कि स्किडी सरफेस है, वहाँ पर गेंद स्किड करके जाता है राधा देन इतना उछाल आपको देखने को मिले, तो स्पिनर हो पेसर हो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी चाहिए, जो कि रॉयल्स के गेंदबाजों ने करी थी। क्रेडिट जैम्पा को जाना चाहिए, युजवेंद्र चहल, अश्विन, सबको जाना चाहिए इंक्लूडिंग संदीप शर्मा, सब ने बढ़िया गेंदबाजी करी, और जो टारगेट था ना वो थोड़ा सा अच्छा हो गया था क्योंकि अनुज रावत ने लास्ट के दो ओवर्स के अंदर 25 रन बना दिए थे, वो थोड़ा सा मोमेंटम दे गया कम से कम ये कि आप एक टारगेट डिफेंड तो कर सकते हैं, दैट इज फॉर द बैंगलोर टीम। लेकिन जब चेस करने के लिए आए तो मुझे लगा कि जयपुर अपने के अंदर ना रॉयल्स की जो टीम थी वो शायद छुट्टी पे चली गई, उन्होंने सडनली सोचा कि अरे या तो ये बहुत आसान सा टारगेट है आराम से चेस कर लेंगे, या ये बहुत मुश्किल टारगेट है तो शुरू से मारना चाहिए। एक दो तीन चार आप स्कोर लाइन देखिए, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहाँ कोई खड़ा भी था या कोई कोशिश भी कर रहा था रन बनाने के लिए। ऐसा मैंने, ठीक है लो स्कोर देखे हैं आईपीएल के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर देखे हैं, ये एक और लो स्कोर था और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, खास तौर से क्यों, क्योंकि जो सिचुएशन मैच हारने के बाद रॉयल्स की है ना वो ये है कि वो हो सकता है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ना करें, पॉइंट्स टेबल पे दो दो अंक उनको टॉप फोर में लेके चले जाता, लेकिन वो नहीं मिले ना तो अब स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि एक आखिरी मैच बचा है, आखिरी मैच में वो दो अंक ले भी लेंगे तो भी कहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसके लिए वो जो मैच हारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा निराशजनक प्रदर्शन था, और अपने आप से ये सोच रहे होंगे कप्तान संजू सैमसन कि फिर से एक सीजन, फिर से मौका जो शायद रॉयल्स ने गवा दिया। दूसरा मैच था चेन्नई के अंदर, क्योंकि जब चेन्नई के अंदर मैच होता है ना तो सामने कोई भी टीम खेल रही हो मैच सिर्फ चेन्नई का होता है, इसी तरीके से प्लेयर भी फॉलो करते हैं और इसी तरीके से हम भी मैच में ऐसे ही देखते हैं, लेकिन चेन्नई के सामने थी कोलकाता। अब कोलकाता तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि प्लेऑफ्स के लिए पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम एक एफर्ट था, एक कोशिश थी। चेन्नई ने कहा टॉस जीत के हम पहले बैटिंग करेंगे, वो भी रन्स बोर्ड पर डालेंगे, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स खो गए, ऐसा उनका वहां से भी उस मैच में भी लग रहा था देखने से कि वो भी 150-170 तक पहुंचेंगे नहीं, ना ही विकेट ऐसा है, क्योंकि ड्यू भी आती है या विकेट स्लो भी हो जाता है देखने को मिलता है, थोड़ा स्लोइश नेचर है सरफेस में। कोलकाता ने अच्छा काम किया कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करी, अपने स्पिनर्स भी लाया, और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि सुनील नारायण को जो दो विकेटें मिली हैं, एंड आई थिंक ये उनका बेस्ट स्पेल रहा है अभी तक के इस टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने दो विकेटें ली, अच्छा लगा क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी है ना, जब उनको सक्सेस मिलती है, और आई एम श्योर हर खिलाड़ी को सक्सेस अच्छी लगती है, लेकिन एक स्पेशल प्लेयर लाइक सुनील नारायण जब वो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने मैच के बाद भी सुना था कि उन्होंने कहा नहीं मैं बहुत खुश हूँ अपना परफॉर्मेंस देख के, तो मुझे लगा वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन जब चेस करने के लिए आया कोलकाता तो वो भी उसी तरीके से बैटिंग कर रहे थे जैसे उससे पहले वाले मैच में जयपुर की टीम बैटिंग कर रही थी, वो भी जयपुर या कहीं राजस्थान की टीम बैटिंग कर रही थी, तो उसी तरीके से विकेट्स खोते गए, लेकिन एक इंप्रेसिव 100+ पार्टनरशिप विद नितीश राणा एंड रिंकू सिंह। बिल्कुल डिबेटेबल है फिर से कि क्या रिंकू को मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, ऑफकोर्स प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए था या सुनील नारायण के पास जाना चाहिए था, बट जो इनिंग्स रिंकू सिंह ने बिल्ड करी ना, जहां से सिचुएशन आके संभाली इन द चेज, दो बहुत बढ़िया चीज थी, एक तो पार्टनरशिप बनाई कप्तान के साथ, दूसरी चेन्नई के अंदर चेन्नई के गेंदबाजों के अंदर सिचुएशन को हैंडल करना और टीम को जीत दिलाना बहुत क्रेडिटेबल है, सो दैट इज वाई रिंकू गॉट दैट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, एंड ऑफकोर्स इट वॉज अ
लवली इनिंग्स, इट वॉज अ वेरी वेल बैलेंस इनिंग्स। और सिर्फ वो चौके छक्के के लिए नहीं जाने जाएंगे, अब इसके लिए भी जाने जाएंगे कि अगर सिचुएशन टफ हो तो कैसे वो इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, दैट वॉज क्रेडिटेबल। हालांकि ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति कोलकाता की इंप्रूव अगर हो भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस तो आएगा। अपने घर में जब जाके मैच खेलेंगे तब ये कॉन्फिडेंस तो जाएंगे कि पिछला मैच जीते हैं, अगला मैच अच्छा खेल सकते हैं, एंड टूर्नामेंट के अंदर जब वो फिनिश करेंगे तो इट कैन बी फिनिश्ड ऑन अ हाई। अब जो टीम सबसे हाई पर है इस समय पॉइंट्स टेबल पे, वो है गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस पिछला मुकाबला जब मुंबई के विरुद्ध हारी थी ना, तो उन्होंने रन जरूर बनाए थे, 170 190 के आसपास बनाए थे उन्होंने चेस के अंदर, लेकिन वो पीछे रह गए थे मुंबई से, हारे थे। राशिद खान ने विकेट भी ली थी, राशिद खान ने रन भी बनाए थे, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव के वो शतकीय पारी से हार का सामना करना पड़ा था। अहमदाबाद में मैच है और ये बहुत बढ़िया हंटिंग ग्राउंड रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात मैचेस हारी है, चाहे क्लोज मैचेस ही हारी हो लेकिन हारी जरूर है। लेकिन अब यहाँ से हारने का स्कोप या गुंजाइश कम हो जाती है, और आई थिंक नेग्लिजिबल होनी ही चाहिए, कम से कम क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लेऑफ्स के मैचेस भी खेले जाएंगे, फाइनल भी खेला जाएगा, गुजरात यहाँ फाइनल खेल चुका है। एंड कुछ भी कहिए, सामने जो टीम है इनके हैदराबाद, वो पहली बार दोनों आमने सामने रहेंगे इस टूर्नामेंट के, आज से पहले नहीं खेले हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हैदराबाद की टीम हार के आ रही है, बहुत लो पे है, निचले क्रम में है टेबल के, दिल्ली के साथ साथ पॉइंट्स हैं उनके, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस या जो किलर इंस्टिंक्ट आना चाहिए वो इतना ज़्यादा नहीं होगा देन इन अ टीम जिसके पास मस्ट विन सिचुएशन है। हालांकि हम खिलाड़ी हैं, हम हर मैच कंपेटिटिव तरीके से खेलते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जब आपको पता है इस कॉन्टेस्ट में आप अगर जीत भी जाएंगे तो भी कहीं आगे नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा डिफ्लेट हो सकता है। हालांकि फिर भी हैदराबाद ने, सनराइजर हैदराबाद इतने मैचेस नहीं खेले, उनके पास अभी भी मौका है पॉइंट्स टेबल में अपना स्थान थोड़ा और कंसोलिडेट करने का, लेकिन कंसोलिडेट गुजरात करना चाहेगी। पिछले मैच में बैटिंग चली नहीं थी जिस स्टाइल में चलनी चाहिए, खराब शॉट्स थे, खासतौर पर कप्तान हार्दिक पांड्या के, उससे पहले शुभमन गिल का, रिद्धिमान साहा भी आउट हो गए थे, सो वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के सबसे पहले फोकस करने की चीज़ है बैटिंग, क्योंकि गेंदबाजी इतनी ख़राब नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने पिटाई ज़रूर लगाई थी, लेकिन गेंदबाजी गुजरात की टीम की ख़राब नहीं है। राशिद खान है, नूर अहमद है, मोहम्मद शमी है, आप बैक करेंगे अल्जारी जोसेफ को भी कि गेंदबाजी का जो वो पूरा स्पेल है वो संभाला जाए। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने ये गेंदबाजी मुझे लगता है सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योंकि सनराइजर्स की ना बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही। मार्करम, फिलिप, क्लासन सब हैं, लेकिन डिपेंडेंस जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पे आती है, और इंडियन बैटर्स ने इतना अच्छा प्रभावित नहीं किया है, यही स्टोरी रही है। तो कम से कम बॉलिंग गुजरात की ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बैटिंग ऑन पेपर दोनों की प्रीटी मच सिमिलर है। ये कहना अनफेयर है कि गुजरात की बैटिंग डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने भी रन किए हैं, मार्करम ने भी रन किए हैं, क्लासन का भी बल्ला चल सकता है, और वो बिल्कुल जानते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स हैं, अगर ये रन्स करेंगे तो इनके लिए भी अच्छा है, फ्रेंचाइज के लिए भी अच्छा है, और आने वाले नेक्स्ट सीजन के लिए भी अच्छा है, तो वो हल्का मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। लेकिन फिर भी गुजरात टाइटन्स ओवरऑल अ स्ट्रॉन्गर टीम देन सनराइजर्स हैदराबाद इस कॉन्टेस्ट में। पेस स्पिन का मिश्रण देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेडियम है, जो माहौल रहने वाला है, खास तौर पर होम टीम के लिए, शाम का मैच है, मुझे लगता है होम क्राउड, होम सपोर्ट ज़रूर रहना चाहिए टीम के लिए। पिच कैसी रहेगी, सिचुएशन कैसी रहेगी, रहूंगी मैं अहमदाबाद में, देख के ज़रूर बताऊंगी आपको मैच ख़त्म होने के बाद कि क्या सिचुएशन थी। आप तब तक अपने सवाल तैयार रखिए मैच के पहले, मैच के बाद, कि क्या सवाल हो सकते हैं आपके, क्योंकि जब मैं उसके बाद आपको आके बताऊंगी ना, तो फिर मज़ा आएगा ना इंटरेक्शन करने में। चलिए, आप मैच का ज़रूर मज़ा लीजिए, और फिर आप और मैं यहीं आके बातचीत करेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।